हु इज पीडब्ल्यू क्लर्क? तहसीलदार। तहसीलदार मजिस्ट्रेट नहीं होता है? नहीं सर, ये रिकॉर्ड आप किया कैसी गया बहस करने लगे हैं सर, आज? रिकॉर्ड किया गया है जबलपुर में, नॉट इन अरे नरसिंहपुर। भाई, तहसीलदार मजिस्ट्रेट होता है कि नहीं होता है? सर एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट होता है कि नहीं होता है? विद ड्यू रिस्पेक्ट योर लॉर्ड। ये आप PW12 लेकर आए हैं, नहीं सर, कैसी बहस करना चाह रहे हैं आप लोग? सर मैं, क्या क्या सोचते हैं आप लोग, हाईकोर्ट को घुमाते रहेंगे? सर मैं अभी आपने आपके PW12 बोला, हम सर PW12 पर आ गए, अब आप बोल रहे PW7 देखें। चलिए PW7 चलते हैं। जी पीडब्ल्यू ये सब सेवन टैक्टिक्स जो है ना, आपको मदद नहीं करने वाली है। नहीं सर, मैं यू आपके शुड समक्ष आर्ग्यू सिर्फ स्ट्रेट। केस आपके समक्ष रख, इसने जब भाई एक सेकंड, जी आपसे जो बात पूछ रहे हैं वो बताइए। जी ये जो PW1 है, जी व्हेन डिड शी रीच हॉस्पिटल? शी रीच टू यू मस्ट हैव गिवन सजेशन टू हर कि वो जो है कब अस्पताल पहुंची, तभी तो कॉरोबरेट होगा जी कि डाइंग डिक्लेरेशन जो है P21, एग्जिबिट P21 जो है जी उस पर समय पड़ा हुआ है, ठीक है? ये 20 तारीख को 12:30 दोपहर को लिया गया है, ठीक, 21/7 को, 21/7 को,21/7 ये कब मिली इससे, किस तारीख को मिली? ये जब स्टेट में, जब हॉस्पिटल में थी, जौलपुर हॉस्पिटल में थी तब मिली है सर जबलपुर ये, हॉस्पिटल जो हरगोविंदा जौलपुर में जब हॉस्पिटल कब में। कब मिली, यही तो पूछ रहे हैं। ये तो आपको बताना पड़ेगा ना कब मिली, आपको क्रॉस में पूछना चाहिए था। अब अगर उनकी स्टोरी पे चलेंगे तो आपका तो उल्टा केस फंस जाएगा। उनके मुताबिक मृतिका ने दरवाजा अंदर से बंद करके आग लगा ली, बच्चे चिल्लाने लगे, रोने लगे, जेठानी पहुंच गई, जेठानी चिल्लाने लगी तो उनकी आवाज सुन के 150 मीटर दूर जो मछली पकड़ने गया था पति, वो भी लौट के आ गया, ठीक है? पूरी कहानी ही गलत है, 150 मीटर तक। और फिर दरवाजा किसने तोड़ा, फिर नहीं सर, पंचनामा नहीं करा दरवाजे हाईकोर्ट का? छप्पर तोड़ा गया है, ऊपर चढ़ के छप्पर कहाँ तोड़ा है उसका गया पंचनामा, कहाँ है? सर। मनोज, दिस इज फर्स्ट सस्पेंशन ऑफ सेंटेंस बिफोर दिस ऑनर, प्लीज जी टू सी द अलोश ऑफ द प्रोसिक्यूशन स्टोर इन द पैराग्राफ नंबर टू थ्री। यस सर। आप पति हैं? हाँ सर, आई एम दी डाइंग डिक्लेरेशन है क्या? सर, है डाइंग ना, डिक्लेरेशन P21, एग्जिबिट जी, P21। एग्जिबिट P21 डाइंग डिक्लेरेशन, एग्जिबिट P7 उसका देहाती नालेशी है चलिए पढ़िएगा पैरा जी। तरीके। पैराग्राफ नंबर थ्री में मैं रीड, मैं अभियोजन मामला संक्षेप में इस प्रकार है कि दिनांक 21/7/2019 को फरियादी उर्मिला नौरिया के द्वारा इस आशय की रिपोर्ट दिखाई गई कि वह सतारा में अपने पति सास ससुर के साथ रहती फरियादिया के विवाह को करीब 7-8 वर्ष हो गए हैं एवं उसके 2 बच्चे हैं। विवाह के बाद से ही फरियादिया का पति उसके चरित्र व संदेह पर संदेह करके उसे वाद विवाद कर मारपीट करता था तथा भाग चले जाने का क्या कारण। उक्त बात फरियादिया ने अपने मायके में परिजन को बताई थी, तब मायके वाले उसे घर ले गए थे लेकिन आरोपी ने बच्चों को नहीं ले जाने दिया। करीब 4 माह तक फरियादी मायके में रही और फरियाद आरोपी लेने नहीं आया। तब फरियादी का भाई ससुराल सतारा छोड़ गया। 20/7/2019 को सुबह 9 बजे फरियादिया घर में चाय बना रही थी, सास ससुर खेत गए थे। तब फरियादिया का पति नर्मदा जी से घर आया, उस समय उसका लड़का रोहित सब्जी के लिए मचल कर रोने लगा। तब फरियादिया ने उसे एक तमाचा मार दिया। इस बात पर फरियादिया के पति ने उससे झगड़ा किया और प्लास्टिक की बोतल में रखा मिट्टी का तेल उस पर ऊपर डालकर माचिस से आग लगा दी और पीछे के रास्ते से भाग गया। फरियादिया के चिल्लाने पर जेठानी उसे बचाने आई और कंबल चादर डालकर आग बुझाई और पीछे से आरोपी विनोद और जेठ भी आ गए तथा फरियादिया को 108 एम्बुलेंस से करेली अस्पताल ले गए, वहां से नरसिंहपुर और नरसिंहपुर से जौलपुर अस्पताल में भर्ती किया गया। नाउ योर लॉर्डशिप, इन दिस केस दैट द मेजर आई विटनेस इज द PW4 ममता एक सौ रुपये मालूम। PW5, भाई वो तो वो जेठानी है जिसने बचाया, जी वो तो हॉस्टाइल होगी, होस्टाइल हो गई है वो तो अब हॉस्टाइल नाउ होगी, वो तो अंडरस्टूड है।
माय लॉर्ड, अब नाउ काइंडली सी द स्टेटमेंट्स ऑफ द मदर एंड ब्रदर. इसके दो बच्चे हैं, इसमें से किसी बच्चे का स्टेटमेंट नहीं हुआ है सर. अच्छा जी, डाइंग डिक्लेरेशन के बारे में बताइए. डाइंग डिक्लेरेशन के बारे में हाउ यू विल मीट दिस, और देहाती नालची भी उसी के द्वारा की गई. जी, अब काइंडली सी पीडब्ल्यू सेवन की एविडेंस देखते हैं. जी, पीडब्ल्यू सेवन का एविडेंस, प्लीज टू सी दी पीडब्ल्यू सेवन एविडेंस. एट द टाइम ऑफ रिकॉर्डिंग ऑफ दी देहाती नालची जाइएगा जी. पीडब्ल्यू सेवन इज आईओ है सर, और नहीं डॉक्टर अरुण है सर, कुमारी अरुण वर्मा, ये पीडब्ल्यू सेवन है. और एग्जिबिट जो अरुण कुमार वर्मा जी पढ़िएगा सर, एग्जिबिट पी सेवन देहाती नालसी है. पर पहले इसको तो देख जी, मैं इसको पढ़ लेता मोहनलाल गोविंद दास अस्पताल जौलपुर में मेडिसिन विशेषज्ञ के पद पर कार्यरत हूँ. दिनांक सर, इसमें मैं आपको वो बता दूं कि जिसमें एग्जैक्टली जिसको कॉन्ट्रडिक्ट किया गया है स्टेटमेंट ऑफ डीडी के लिए. पूरा पढ़ लेते हैं, मैं पूरा पढ़ लेता हूँ. दिनांक 20/7/1908 उर्मिला नौरिया, पति विनोद नौरिया, उम्र 30 वर्ष, को लक्ष्मण नौरिया लेकर आया था. आहत उर्मिला नौरिया 90% जली हुई थी. आहत का शरीर करीब करीब पूरा जला हुआ था, केवल चेहरे में दाईं तरफ कम जली हुई थी. पूर्व में उसका इलाज नरसिंहपुर जिला अस्पताल में हुआ था, जहाँ उसका मजिस्ट्रेट बयान हुए थे. देयर इज नो मजिस्ट्रेट बयान ऑन रिकॉर्ड. नाउ P21 किसने रिकॉर्ड किया? P21 बाय द PW12. जबलपुर में, नॉट इन नरसिंहपुर. अरे भाई, तहसीलदार मजिस्ट्रेट होता है कि नहीं होता है? एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट होता है कि नहीं होता है? विद ड्यू रिस्पेक्ट योर लॉर्डशिप, माय लॉर्ड, आई अपोलोजाइज फॉर दैट. सर विद ड्यू, आप लोग तो स्पेशलाइज कर रहे हैं. नहीं नहीं, उस दिन भी हम देख रहे थे, इट वॉज चलिए. मतलब दी डी इज रिलायबल और नॉट, दैट इज कम ऑन दिस इज द क्वेश्चन कम्स माय लॉर्ड. नाउ काइंडली सी वेदर द शी वॉज फिट स्टेट ऑफ माइंड और नॉट, दिस इज द मेन क्वेश्चन माय लॉर्ड. नाउ काइंडली सी योर लॉर्डशिप द स्टेटमेंट, द डॉक्टर स्टेटमेंट हु गेव द सर्टिफिकेट और नॉट, दैट इज कम ऑन द रिकॉर्ड. प्लीज टू सी योर लॉर्डशिप पैराग्राफ पीडब्ल्यू सेवन में. आप PW12 लेकर आए हैं? नहीं सर. कैसी बहस करना चाह रहे हैं आप लोग सर? मैं क्या सोचते हैं आप लोग, हाई कोर्ट को घुमाते रहेंगे सर? मैं अभी आपने PW12 बोला, हम PW12 पर आ गए, अब आप बोल रहे PW7 देखें. चलिए PW7 चलते हैं जी. PW7 टैक्टिक्स जो है ना, आपको मदद नहीं करने वाली है. नहीं सर, मैं आपके सिर्फ स्ट्रेट केस आपके समक्ष रखना चाह रहा हूँ प्रॉपर. चलिए जी, PW7 का कौन सा पैराग्राफ पढ़ना है? PW7 का पैराग्राफ नंबर 8 जी, पढ़िए. PW7 पैराग्राफ नंबर 8 जी. यस है ना, सही है कि मेरी ड्यूटी वन वार्ड, पैराग्राफ नंबर 8 1 2 3 4 लाइन फ्रॉम दी बॉटम माय लॉर्ड जी. यह कहना सही है कि मेरी ड्यूटी वन वार्ड में नहीं रहती, मेरे पास कोई मरीज आते हैं वहां बैठता हूँ, जहां बैठता हूँ वहां देखता हूँ. नाउ काइंडली सी द नीचे, यह कहना गलत है कि मरीज बेहोशी की स्थिति में था, वह बयान देने की स्थिति में नहीं था, यह कहना गलत है. मैं तहसीलदार एवं पुलिस के कहने पर एग्जिबिट P21 एवं 10 में गलत प्रमाण पत्र दिया था. नाउ काइंडली पैरा 9 में भी कह दिया उसने, ये कहना गलत है कि मेरे समक्ष P21 में कोई बयान उर्मिला नूरिया ने नहीं दिए. इसने ट्रीटमेंट दिया कि नहीं दिया योर लॉर्डशिप? दैट इज नॉट द इशू, वी आर नॉट डीलिंग विद द ट्रीटमेंट राइट नाउ, माय लॉर्ड, वी आर डीलिंग विद द ऑथेंटिसिटी ऑफ द डाइंग डिक्लेरेशन. नाउ द डाइंग डिक्लेरेशन में जो थंब इंप्रेशन की बात आ रही है जी, दैट थंब इंप्रेशन इज डिनाइड बाय द पीएम डॉक्टर, बिकॉज द तहसीलदार स्टेटिंग दिस फैक्ट कि लेफ्ट लेग का टो का, लेफ्ट लेग का जो अंगूठा है उसका थंब इंप्रेशन लिया गया. बट जो पीएम का डॉक्टर बोलता है कि उस समय उसके पीएम में कहीं पे भी लेफ्ट लेग के टो में कहीं पे भी कोई इंक नहीं पाई गई है. ये नहीं पाई गई क्योंकि मृत्यु 2 महीने बाद हुई है. आपने PW7 ध्यान से पढ़ा नहीं. PW7 ने कहा कि वो लामा हो गया था 25/9 को, 20/7 को भर्ती हुई है, 25/9 को लामा हो गया था 2 महीने बाद. तो वो आर्ग्यूमेंट यहाँ पर मैटर नहीं करेगा. 4-5, 6-10 घंटे में मृत्यु हो जाती है और अगले दिन पोस्टमार्टम होता, तभी आर्ग्यूमेंट वुड हैव बीन मटेरियल. नाउ
काइंडली सी योर लॉर्डशिप द स्टेटमेंट 25 तक तो नहीं सर, यहाँ यहाँ क्या लिख रहे हैं देखिए, आहत दिनांक 25 नौ को नामा हो लेफ्ट अगेंस्ट मेडिकल एडवाइस, और सर उसने दिनांक 25, ये पैराग्राफ 25 सात है, नंबर 25 सर सात को, जी 25 25 सात सात है को ही ये, हो गया था 25 सात, जी तो भी डिसीज 5 दिन हो गए थे ना। जी। अब सर एक बार आप पैराग्राफ नंबर 7 देख ले, बिकॉज ही इज नॉट द ट्रीटिंग डॉक्टर। हाँ ठीक है, दैट वी हैव अंडरस्टूड, मालूम ही हैज एडमिटेड दिस फैक्ट, यस पैराग्राफ नंबर 7 ही इज एडमिटेड डॉक्टर दिस फैक्ट प्रशांत यादव ने इलाज किया जी, एंड दैट प्रशांत यादव इज नॉट एग्जामिन बिफोर दिस ठीक है। ऑनरेबल चलिए अब PW12 पे आ जाइए, PW12 में बिकॉज दिस इज द मैटर माय लॉर्ड दैट शी हरसेल्फ पुट द केरोसिन ऑयल एंड कमिटेड दिस सुसाइड माय लॉर्ड, बिकॉज ही इज ट्राइंग टू सेव हर माय लॉर्ड एंड ही आल्सो। इसको कहाँ इंजरी आई है सर आप एक बार एग्जिबिट D1 देख लें, है? एग्जिबिट D1 देख लें आप, D1 PW5 ने बोला था, D1 देख लेते एग्जिबिट D1 एक बार आप, D1। बट दैट रिपोर्ट हैज नॉट बीन गिवन इन द फेवर ऑफ द एक्यूज। हाँ फिर इसको दिखाने का क्या मतलब नहीं है सर ये उसकी? एग्जिबिट D1 का आप देखें, प्रतिवेदन दिया गया है, हाँ ठीक है ना, देख लिया ना। उपरोक्त आरोपी के थाने में अपराध में गिरफ्तार किया गया, इसके बाएं हाथ में अंगूठे में जलने फफोले पड़े हैं तथा दाहिने हाथ में उंगलियां जलने के फफोले पड़े हैं, मुलायजा का रिपोर्ट देने की कृपा करें। बट दैट जो स्टेटमेंट है जो हुआ है डॉक्टर का, उसमें जब उसको जेल में ले जाया गया तभी उस एग्जामिनेशन किया गया, प्रीवियस एग्जामिनेशन कुछ नहीं किया गया सर। ठीक चलिए, नाउ काइंडली सी योर लॉर्डशिप दैट द ओरल डाइन डिक्लरेशन हैज बीन गिवन टू द मदर एंड ब्रदर जी ऑफ द डिसीज, जी शी हर दे हर सेल्फ स्टेटिंग दीज फैक्ट्स योर लॉर्डशिप दैट की नो स्टेटमेंट हैज बीन गिवन टू द तहसीलदार ना, एंड सेकेंडली योर लॉर्डशिप दी दे हर सेल्फ दे देम सेल्फ एडमिटेड दिस फैक्ट माई लॉर्ड की झगड़ा होने के कारण कमरे के अंदर जाकर खुद पे ऊपर कैरोसिन ऑयल डालकर आग लगाई गई है। काइंडली सी द स्टेटमेंट ऑफ द मदर माई लॉर्ड, मदर ऑफ द मदर ऑफ द डिसीज्ड PW1 PW1 माई लॉर्ड, यशोदा वर्मा यस जी, क्या कहलवा लिया आपने उनसे? ये सब पैराग्राफ नंबर 16 में आप देखेंगे नीचे से 30, रहने दीजिए, मैं पढ़ दूं सर चाहिए पैराग्राफ नंबर 16 पढ़िए। मतलब यह सही है कि जबलपुर में जब मैं उर्मिला से मिली थी उसने मुझे यह बताया था कि बच्चों के सब्जी के विवाद को लेकर विनोद ने डांटा था और घर से चला गया था, तो उसने स्वयं मिट्टी का तेल डालकर आग लगा ली। एंड नाउ पैराग्राफ नंबर 17 2nd 3 lines, यह कहना सही है कि मेरी पुत्री उर्मिला ने कभी भी पुलिस एवं तहसीलदार को कभी यह नहीं बताया था कि विनोद ने उसके ऊपर तेल डालकर आग लगाई है। अच्छा ये पहुंची कभी है तो बता दीजिए, एग्जामिनेशन पूछा होगा ना कहाँ की रहने वाली है ये। ये सर ये इसने जब अरे भाई एक सेकंड, जी आपसे जो बात पूछ रहे हैं वो बताइए, जी बता ये जो PW1 है, जी व्हेन डिड शी रीच हॉस्पिटल? शी रीच टू यू मस्ट हैव गिवन सजेशन टू हर कि वो जो है कब अस्पताल पहुंची, तभी तो कॉरोबरेट होगा जी कि डाइंग डिक्लेरेशन जो है P21, एग्जिबिट P21 जो है जी उस पर समय पड़ा हुआ है, ठीक है, ये 20 तारीख को 12:30 इक्कीस दोपहर को लिया गया है, ठीक, 21/7 को, सात 21/7 को, मतलब ये कब मिली इससे, किस तारीख को मिली? सर ये जब स्टेट में जब हॉस्पिटल में थी, जौलपुर हॉस्पिटल में थी तब मिली है सर, जबलपुर हॉस्पिटल ये जो हरगोविंदा जौलपुर में जब हॉस्पिटल कब में कब मिली, यही तो पूछ रहे हैं, ये तो आपको बताना पड़ेगा ना कब मिली, आपको क्रॉस में पूछना चाहिए था। चलिए सर ये इसमें दिया हुआ है पैराग्राफ नंबर 4 में, इसका मदर के पैराग्राफ नंबर W1 PW1 में सर, हमें घटना की जानकारी उर्मिला के ससुराल वालों ने दी थी, तब हम उर्मिला को देखने के लिए जौलपुर अस्पताल आ गए थे जहां पर मुझे उर्मिला ने यह सब बातें बताई थी। 2nd lines जैसे विटनेस जी
उस टाइम एक डेप्यूटी है एंड काइंडली सी द पैराग्राफ नंबर 12 ऑफ द स्टेटमेंट ऑफ द मदर ऑल्सो मतलब उसने अंगूठा नहीं लिया अब देखते बिल्कुल दिन कुछ कुछ नहीं प्लीज टू सी द एविडेंस ऑफ पीडब्ल्यू टू ब्रदर ऑफ द डिसीज वो भी होस्टाइल है पैराग्राफ नंबर 12 क्रॉस देख होस्टाइल है देख लिया जी जी उसका क्रॉस देख लें ही इन द क्रॉस ही इज एडमिटेड दिस फैक्ट दैट द चिल्ड्रन आर नैरेटेड द स्टोरी टू द ब्रदर आल्सो जी अब अगर उनकी स्टोरी पे चलेंगे तो आपका तो उल्टा केस फंस जाएगा उनके मुताबिक मृतिका ने दरवाजा अंदर से बंद करके आग लगा ली बच्चे चिल्लाने लगे रोने लगे जेठानी पहुंच गई जेठानी चिल्लाने लगी तो उनकी आवाज सुन के 150 मीटर दूर जो मछली पकड़ने गया था पति वो भी लौट के आ गया ठीक है पूरी कहानी ही गलत है 150 मीटर तक और फिर दरवाजा किसने तोड़ा फिर पंचनामा दरवाजे छप्पर तोड़ा गया है ऊपर चढ़ के छप्पर तोड़ा गया उसका पंचनामा कहाँ है सर पंचनामे ये आप पीडब्ल्यू पीडब्ल्यू टू का पैराग्राफ नंबर 29 एक बार देख पीडब्ल्यू टू नहीं देखेंगे हम जी आईओ का बताइए या उसमें बताइए साइट मैप से बताइए जी मैं साइट मैप से कि वो जो है घटना स्थल का नक्शा P11 है P11 में देखते हैं क्या कहानी है P1 जो है साहब 161 का बयान है माँ का उसमें तो क्लियर बोला है उसने कि हमारी बेटी ने मुझे बताया था कि मेरे पति ने मुझे मिट्टी तेल डाल के आग लगाई देख लिया वो देख ये कुछ है नहीं वकील साहब क्या करना है मैरिट पे चाहते हैं कि सब मैरिट निसाल वेट को दिस शरीफ आनंद नायक माय लॉर्ड आई एम विथड्रॉइंग दिस एप्लीकेशन आई एम अनेबल टू कन्विंस दैट PW1 एंड PW2 आर मटेरियल विटनेसेस हु हैव टर्नड होस्टाइल withdrawing ml वही लिखा रहे हैं you and in view of the evidence of PW7 and PW12 place for withdrawal of the application